हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से फेंगमी अब बायू वैली में पहुंच चुका होता है ताकि वो सियार को वहां पे जाके ढूंढ सके, जहां पे उस वैली में एक लड़के से मिलने पे उसे ये पता चलता है कि सियार किसी लोटस की आकृति के जैसे एक फूल के अंदर है। वहाँ पे उसकी ही सिस्टर उसकी प्रोटेक्शन कर रही है और उसी के पास ही वो ये नरिशिंग वुड भी है। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि कुछ बंदों को उसी बायू वैली में आए थे ताकि वहां के ट्रेजर्स को वो ले जा सके। अब आगे जब वो ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए वैली के डीप में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें बहुत सारा धुंध दिखता है जो आगे जाकर के और भी ज्यादा गहरा होता जाता है। अभी वहां पे डरे होते हैं लेकिन ट्रेजर्स के लालच में वो आगे बढ़ ही रहे थे, क्योंकि कोई जगह जितनी ज्यादा मिस्टीरियस दिखती है वहां पे ट्रेजर्स होने के उतने ही चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आगे उन सभी को वही लोटस फ्लावर दिखता है जिसे वे सारे कल्टीवेटर वहां पे खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन्हें इतनी डीप में आ करके कुछ ट्रेजर्स तो हाथ लगा। लोग सोचते हैं कि उन्हें एक बहुत बड़ा ट्रेजर हाथ लग चुका है। जैसे ही वो लोटस फ्लावर के बीचों बीच रखे एक पोर्ट्रेट की तरफ बढ़ते हैं, उस पोर्ट्रेट में यहाँ पे सियार की ही सिस्टर की पेंटिंग बनी होती है। जैसे ही वो बंदे उस पोर्ट्रेट को टच करते हैं वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वहीं पे एक बड़े से पत्थर के पीछे एक मार्क्समैन होता है जो कि उन्हें डराने का काम कर रहा होता है। वो एक तलिस्मान निकालता है और अपने मैजिकल थ्रेड का यूज करते हुए उसे एक मास्किंग को समन करता है जिसके कारण चारों तरफ वहाँ पर बिजली कड़कने लगती है और उस लोटस के अराउंड एक शील्ड क्रिएट हो जाता है। अब इसी फिनोमिना को देख करके जो बंदे वहाँ पे ट्रेजर के लालच में आए थे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर तेजी से भागने लगते हैं। तभी सीन चेंज होता है और उसी के आसपास के इलाके में ही फेंगमी घूम रहा होता है। वैली में अब इस तरह से खो चुका होता है कि उसे सारी जगह बस एक सी मालूम पड़ती है। अब आगे फेंगमी यहाँ पे सोचता है कि उसे किसी भी हालत में अब सियार को जल्दी फाइंड आउट करना होगा। तभी फेंगमी ये देखता है कि अब जुआन भी उसके पीछे नहीं आ रहा है। यहाँ फेंगमी उसे बुलाने के लिए आवाज देने लगता है कि तभी जुआन उसे आगे से बताता है कि कोई उनके तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। और जब फेंगमी उनके पास वहाँ पहुँचता है तो ये देखता है कि वही सारे लोग उस मास्किंग से बचते हुए दौड़ करके आ रहे थे जो बार बार हेल्प के लिए पुकार रहे होते हैं। अब आगे फेंगमी को पता चलता है कि किसी ने गार्डियन तलिस्मान का यूज किया है जिससे तीन अलग मॉन्स्टर्स अलग अलग डायरेक्शन से निकलते हैं। अब यहाँ इतने सारे मॉन्स्टर्स को देख करके फेंगमी ये सोचने लगता है कि आखिरकार सियार ने इतनी वियर्ड सी जगह को क्यों चूज किया था मेरे वेट करने के लिए। अब फेंगमी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो रॉक मॉन्स्टर्स होते हैं उनमें से एक जो होता है वो उन दो बंदों को पीछे पड़ जाता है और अब उन्हें मारने ही वाला होता है कि वे दोनों वहाँ पे हेल्प के लिए पुकारने लगते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि फेंगमी को कोई हेल्प के लिए पुकारे और वो इसकी हेल्प ना करे। अब फेंगमी यहाँ उनकी मदद करने के लिए उस रॉक मॉन्स्टर्स के बीच में आ जाता है क्योंकि वो ऐसे ही किसी को मरते हुए यूं देख नहीं सकता। आगे वो अपने वेपन को एक्टिवेट करता है और उन रॉक मॉन्स्टर्स पे अटैक करता है जिसमें से उनमें से एक तो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली बारी उस दूसरे रॉक मॉन्स्टर्स की आती है जिसपे फेंगमी अटैक तो करता है लेकिन वो रॉक मॉन्स्टर उस अटैक को आसानी से डॉच कर लेता है। कि दूसरी तरफ यहाँ जुआन उन दो बंदों की मदद करता है कि यहाँ पे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, अपने मरने का इंतजार कर रहे हो, जल्द से जल्द यहाँ से भागो। वो दोनों बंदे वहाँ से भाग जाते हैं और अब आके जुआन भी यहाँ फेंगमी की मदद करने लगता है उस रॉक मॉन्स्टर से लड़ते हुए, जहाँ लगातार वो रॉक मॉन्स्टर जुआन पे अटैक करता ही जा रहा था। इस पे जुआन उनसे कहता है कि इतनी आसानी से बच्चों मुझे मार नहीं पाओगे। जो हमारे नए सब्सक्राइबर है, जिन लोगों ने इसके पिछले सीजन को नहीं देखा है, उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जो हमारे चैनल पे आपको दिख जाएगी और सीजन 1 की कंप्लीट लॉन्ग वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। सो जल्द से जल्द जाइए और इसे देख लीजिए। कि आगे हम फेंगमी को देखते हैं जो अभी उन रॉक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, जहां जुआन उन रॉक मॉन्स्टर के अटैक का शिकार होने वाला होता है कि फेंगमी यहां एन मौके पे उसे बचा लेता है। अब आगे उस तलिस्मान से निकलते हुए दो और रॉक मॉन्स्टर्स आते हैं जो फेंगमी और जुआन पे अटैक करते हैं। अब आगे फेंगमी इनका सामना करने के लिए वही सन शूटिंग तलिस्मान का यूज करता है जिसे निकलते हुए बो एंड एरो से जब वो उन रॉक मॉन्स्टर पे अटैक करता है तो फिर वो तीनों रॉक मॉन्स्टर वहीं पे ढेर हो जाते हैं और पूरी तरह से टूट के बिखर जाते हैं। जिस पे फेंगमी अपने स्पिरिचुअल आइज का यूज करता है और उनके टूटे हुए टुकड़े को देख करके बताता है कि ये मॉन्स्टर किसी तरह के गार्ड एरे से निकाले गए हैं और इन्हें डिस्ट्रॉय करना जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि ये इनके बिखरे हुए टुकड़े हैं। ये आपस से जुड़ करके एक बार फिर से अपने आप को वही रॉक मॉन्स्टर बना लेंगे और बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहाँ उन दोनों के सामने फिर से रॉक मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है लेकिन अब की बार वहाँ पे तीन मॉन्स्टर नहीं बल्कि उन टुकड़ों से जुड़ करके एक बड़ा सा रॉक मॉन्स्टर अपेयर होता है जिसपे फेंगमी यहाँ जुआन से कह रहा होता है कि अब इस बड़े से मॉन्स्टर को देख करके घबरा मत जाना,
क्योंकि ये हम पे ही अटैक करने के लिए आ रहे हैं। जिस पे जुआन उसे कहता है कि चाहे कितने भी बड़े मॉन्स्टर्स क्यों ना आ जाए, मैं उन सबको बीट कर दूंगा। अब आगे वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है उन दोनों पे अपने फायर से अटैक करता है, जिससे वो दोनों बच तो जाते हैं। अब आगे जुआन अपने शॉट से उस मॉन्स्टर पे अटैक जो करता है, वो मॉन्स्टर जो होता है उसी के ही तलवार को ही पकड़ लेता है और उस तलवार को वहीं पे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब आगे वो मॉन्स्टर एक जोरदार अटैक यहाँ जुआन पे करता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। अब आगे वो रॉक मॉन्स्टर जैसे ही एक आग का गोला बनाता है और फिंगमी पे अब अटैक करने ही वाला होता है कि हम देखते हैं कि उस फायर बॉल पे फिंगमी अपने स्पेस से अटैक करता है और उसे वहीं नलीफाई कर देता है। लेकिन फिर भी वो फायर बॉल इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो अब भी फिंगमी पे अटैक कर रही होती है, जिससे बचने के लिए फिंगमी अपने अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसमें फेंगमी ये समझ जाता है कि ये जो रॉक मॉन्स्टर है इसे एक बहुत ही जबरदस्त टेलीपैथिक कंट्रोल कर रहा है और इसे निपटने के लिए कोई और फॉर्मेशन यहाँ काम नहीं करेगा। अब इस पूरे रॉक मॉन्स्टर को यहाँ पर फेंगमी पूरी तरह से मुआयना करने के बाद ये पता लगाता है कि ये जो रॉक मॉन्स्टर है वो अपने पीछे नहीं देख पा रहे हैं, इसके यहाँ अगर पीछे से इन पे कोई अटैक करे तो इन्हें पता नहीं चलेगा। अब आगे फेंगमी उनके बैग पे अटैक करने के लिए अपने सबसे पावरफुल वेपन रोंगयान वेपन को समन करता है। अब उस वेपन के एक्टिवेट होते ही यहाँ उस रॉक मॉन्स्टर में जितनी भी एनर्जी होती है सब उस रोंगयान वेपन के अंदर एब्जॉर्ब हो रही थी। अब फेंगमी ने उस रोंगयान वेपन के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर के स्पिरिट्स को कैद करके रखा था कि तभी उस रोंगयान वेपन में से एक वुल्फ की स्पिरिट बाहर निकलती है, जो कि उस रॉक मॉन्स्टर से निकलते हुए फायर ऑरा को शांत करने के लिए अपने आइस फायर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो रॉक मॉन्स्टर वहीं पे कूल डाउन हो जाता है और जम करके गिर जाता है। और इससे पहले कि आगे हम देख पाते कि क्या होता है, ये एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइज, आज का एपिसोड तो काफी छोटा था, जिसमें हमें काफी क्लियर जानकारी नहीं मिली कि फेंगमी सियार को ढूंढने के लिए अब क्या करेगा, वो किस तरह से उस लोटस फ्लावर के अंदर जा पाता है कि नहीं। और सियार की जो सिस्टर है वो अभी तक फेंगमी को ही दोषी मान रही है सियार की इस सिचुएशन का। इसीलिए अब आगे के एपिसोड्स में क्या होने वाले है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जानना, जिसे जानने के लिए हमारे ही चैनल पे बने रहें। और हाँ, आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें।